और चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना के कहर की। बिहार में कोरोना के नए केस हर रोज कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में महज 2,568 नए केस मिले हैं, जबकि 1,22,000 सैंपल की जांच हुई है पिछले 24 घंटे में। बिहार में 4 जिलों में 10 से कम नए केस मिले हैं, जबकि 8 जिलों में 200 से कम कोरोना के केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। सबसे ज्यादा राजधानी पटना से केस मिले हैं 369, गोपालगंज में 151, बेगूसराय में 136, मुजफ्फरपुर में 128 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही सारण में 121 नए केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। बच्चों को कोरोना का टीका देने के लिए ट्रायल शुरू होने जा रहा है। पटना के एम्स में आज से ये ट्रायल शुरू होगा। कोविड टीके से पटना एम्स के मुख्य अनुसंधानकर्ता डॉक्टर सीएम सिंह से बातचीत की जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव ने। देश में तीसरी लहर आने वाली है कोरोना की, और सबसे अधिक इससे बच्चे प्रभावित होंगे। पटना एम्स इसकी तैयारी जो है वो कर लिया है। कल से बच्चों पर टीके का ट्रायल किया जाएगा। कोवैक्सीन के मुख्य अनुसंधानकर्ता जो है सीएम सर हमारे साथ हैं। सर, क्या क्या है और कल से ट्रायल हो रहा है? देखिए, अभी तक जो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हैं, अब तो 3 वैक्सीन अवेलेबल हो गई, बट ये सारी अभी एडल्ट के लिए थी, मतलब 18 साल और उसके ऊपर के लिए थी। 2 से 18 साल के लिए हम कोवैक्सीन का ट्रायल कल से शुरू करने जा रहे हैं। इस ट्रायल में 2 से 18 साल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकेंगे। उसके लिए हम 2 नंबर जारी करेंगे, अभी आपको भी बताएंगे कि उन नंबर पे लोग अपने कांटेक्ट कर लें और उसके हिसाब से मतलब टाइम ले लें कि कितने बजे आना है, और आके जो इच्छुक लोग हैं वो अपने बच्चे को उस ट्रायल में शामिल करा सकते हैं। तो ये कल से शुरू होगा, और एक बार ट्रायल का अगर रिजल्ट सकारात्मक आता है तो इंडिया में भी अपनी स्वदेशी निर्मित वैक्सीन का टीका उपलब्ध हो जाएगा बच्चों के लिए। सर, ये ट्रायल और कहाँ कहाँ हो रहा है देश में? ये ट्रायल कई सेंटर्स पे होगा, जिसमें से एम्स दिल्ली है एक सेंटर, और नागपुर में एक सेंटर है, और भी देश के विभिन्न भागों में अलग अलग सेंटर्स पे होंगे। तो वैक्सीन लेना जो है वो ज़रूरी हो गया है, ख़ास करके जो बच्चों को लेकर जो लोगों की चिंता थी, अब वो चिंता जो है वो दूर होने वाली है। और कल से जो पटना एम्स है वो इसके ट्रायल करने जा रहा है। कमान फिरोज के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना। देश के कई राज्यों से टीके की कमी की खबरें आ रही हैं, तो वहीं टीके की बर्बादी की बातें भी सामने आई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें ये बताया गया है कि किस राज्य में टीके की कितनी बर्बादी हुई है। इसमें झारखंड नंबर 1 पर है, तो बिहार टीके की बर्बादी में 3% से भी नीचे है। दरअसल टीके को एक शीशी में 10 से अधिक खुराक होती है। अगर ये शीशी खुल जाए तो 4 घंटे के भीतर इसे इस्तेमाल करना जरूरी होता है। ऐसा ना करने पर टीका खराब होने की आशंका होती है। टीके को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना होता है, और ऐसा नहीं करने पर टीके की बर्बादी होती है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है, सीएम नीतीश कुमार लगातार सतर्क हैं और इसकी निगरानी कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि बिहार में टीके की बर्बादी 3% से भी कम हुई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 5.3% से भी ज्यादा है। नहीं, देखिए, जब से टीकाकरण का कार्य शुरू हुआ तब से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह विशेष आग्रह रहा है कि टीका की बर्बादी, वेस्टेज कम से कम हो, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इस विषय पर बहुत ही सतर्क रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग किए, और उसका परिणाम है आज कि पूरे देश के अंदर जो टीकाकरण का वेस्टेज होता है उससे आधे से भी कम बिहार में होता है। पैकेजिंग आपके कितने डोज की है? अगर हम देखें तो पहले कोवैक्सीन की पैकेजिंग में 20 डोज थे, तो अब मान लीजिए कि आपने जब लास्ट वायल खोलते हैं आप, तो आप प्रयास करके रखते हैं कि 20 लोग हों तभी हम वायल खोलें, लेकिन उसमें कुछ लोग 15 लोग भी होते हैं और शाम हो रहा है, डिले करते हैं, तो हेल्थ केयर वर्कर पर दबाव डालते हैं, उसको ओपन करने के लिए वायल बोलते हैं, तो उससे होता क्या है कि वैक्सीन बच जाती है वायल में। और गाइडलाइन ये है कि उस वैक्सीन को हमें सेम डे में यूज़ करना है, तो जो भी वैक्सीन बच गई उसको हेल्थ केयर वर्कर को फेंकना पड़ता है। झारखंड